आज हम आए मामू बिशारत की तरफ। पहले तो उनकी नंबर प्लेट दिखाते हैं हम। महल हाउस चौधरी बिशारत अली नंबरदार सहना, और ये हमारे मामू। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए जी, नेक्स्ट मॉर्निंग होगी हमारी, और अभी जो है हमने नाश्ता वाश्ता किया है। कुछ बच्चे उठ रहे हैं, कुछ ने नाश्ता कर लिया है और कुछ करने लगे हैं। तो बस अभी जो है यहाँ पर आ गए समोसे, और समोसे भी कहीं स्पेशल जगह से आए। पूछती हूँ कहाँ से आए। हटो फातिमा। तो हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं? कपड़े निकालें आज के लिए, कपड़े निकालें। अच्छा, इस इस्त्री में ना इतना होता है कि इससे ना कपड़े जल जाते हैं, इसलिए काशिफ कह रहे हैं मैं खुद करता हूँ, क्योंकि ये ना वो शर्ट जल जाए। उसके बाद जो है मैं अपने कपड़े प्रेस करूँगी। आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाला ड्रेस। और भाई बाहर समोसे आए हुए हैं, खाएं समोसे। हाँ जी, समोसे खाने चलो। चले देखते हैं समोसे कहाँ से आए। और ये आए हैं समोसे, ये आए समोसे। और समोसे कौन लेके आए? और समोसे लेके आए हैं अंकल तारिक, जो कि आसिम भाई के बड़े भाई हैं। आसिम भाई ये बैठे हुए हैं, इनको भी मैंने ज़्यादा वीडियो में नहीं लिया। ले लूँ आसिम भाई। और आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जिस समोसे स्पेशल हैं, चले चख के देखते हैं। वैसे काफ़ी बड़े बड़े समोसे। अच्छा, आपने खास हैं समोसे। चलें बैठें, आप भी आ जाएं। और जो तारिक साहब है ना, ये पीपल पार्टी के बहुत बड़े, समझें कि बहुत ज़्यादा ही करीबी जो है ना, क्या कह सकते हैं। और इनको जो है ना सारी दुनिया जो है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है ना जरदारी के नाम से जानते हैं। उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनके यानी कि उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। तो यहाँ ज़्यादातर जो है ना पीपल पार्टी के सारे सपोर्टर हैं, सारे उन्हीं के ना, उन्हीं के सारे तकरीबन। तो मैंने कहा चले इनको वीडियो में ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार आए मैंने वीडियो में लिया नहीं है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा दुआएं की पीपल पार्टी आएगी इंशाल्लाह। आप तो ये चाहते हैं। तो चलिए समोसे शुरू करते हैं। समोसे तो अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े। चटनियाँ भी दो किस्म की हैं, एक पुदीने वाली, दही वाली, और एक है ये बाजी खट्टी मीठी है ना। हाँ, दो किस्म की चटनी है। चलो बच्चों, मीरब को बहुत पसंद है समोसे, हम सभी शौक से खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, यम्मी है। मीरब कैसा है, मज़े का है ना? बहुत मज़े का है, चख के देख। अहमद आप बताओ, मज़े का है? कैसे है, मज़े का समोसा? अच्छा है, मज़े का। लाइक तो कर दो, हमारे चैनल को लाइक करें। आज हम आए मामू बिशारत की तरफ, जो कि काशिफ के मामू हैं, मामू बिशारत चौधरी बिशारत अली। तो ये उनका घर है माशाल्लाह जी। पहले तो उनकी नंबर प्लेट दिखाते हैं हम। महल हाउस चौधरी बिशारत अली नंबरदार सहना। और चलें जी, हम मामू से मिलवाते हैं। ये माशाल्लाह इनका घर है, इन्होंने न्यू बनाया है, और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा। देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा। और बाहर इन्होंने ये हमें क्यारी सी बनाई हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह जी। और यहाँ से हम एंटर होंगे, यहाँ से गेट खुला हुआ है। तो चलें जी अंदर चलते हैं। और यहाँ से दिखाती हूँ जी, यहाँ से जा रही हैं स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं। भाई माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ताला नसीब करे। और चलें जी अंदर चलते हैं, मामू से मिलते हैं। अंदर चल के मामू से मिलते हैं। और ये हम आ चुके हैं अंदर। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा घर है। और ये हमारे मामू। अस्सलाम वालेकुम मामू, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़बरदस्त। बस आपसे आज मिलने आना था, हमने आप सेना से ज़रा दूर आ गए तो आपकी कमी थी। और ये है मामू बिशारत हमारे, चौधरी बिशारत अली, जो सेना के नंबरदार हैं, और बहुत ही अच्छे हैं और लविंग पर्सन हैं बहुत ही ज़्यादा, और पूरे सेना की जान है।
तो हम जब सेना में आए ना तो यकीन करें हमारा दिल ही नहीं लगा, और काफ़ी यानी कि वहाँ पर रौनक ही नहीं थी आपसे मामू, आप नहीं है तो वहाँ वाकई रौनक दी थी, क्योंकि सबसे पहले आप ही मिलने आते थे हमसे, तो नहीं सही बात है। हाँ इतने दूर तो नहीं, नज़दीक ही है यहाँ से, आमने सामने जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी अपने अपने सारे सबके वहाँ पर क्लोज है हाँ जी, लेकिन दिल वाकई दूर नहीं होने चाहिए। हम देखे ना मामू कराची से आ गए आपसे मिलने, बहुत ज़्यादा हाँ जी सही। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी, और मामू सबसे छोटे हैं ना, सब सबसे छोटे और बहुत ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और देखा जाए तो सियासी पार्टी में जो है ना मामू जो है ना पीटीआई के बहुत ही हाँ गर्म नहीं यानी कि बहुत ही यानी कि उनको सपोर्ट करते हैं, हर किसी की अपनी अपनी पार्टी होती है। हाँ आप भी पीटीआई को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सही बात है, अपनी अपनी ये तो होता है। और चले मामू का घर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, हमने आज फर्स्ट टाइम देखा है, हम 2 साल पहले आए थे लेकिन तब जो है ना बना नहीं था, तो अब तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और ये जो हैं स्नैन भाई हैं जो कि मामू शरद के बेटे हैं बड़े, और आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है यकीन करें, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, तो सर्दी इतनी ज़्यादा है और ऊपर से मौसम वाकई पंजाब का बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चे आपकी कोई मोर मेरे ख्याल स्टैंप लगती है ना, वो मैंने सुना था, मैंने कहा मामू के अच्छा 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 सब चीज़ें आप सही 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 सारा दिन रौनक लगी रहती है सही। अच्छा 6 बजे से घंटी बजनी शुरू थी, रात 10 बजे तक शाम तक टाइम के लिए अभी भी वही है, अभी भी वही है। अच्छा 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 सही सही माशाल्लाह सही बात है। अच्छा घर दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत पहले ड्राइंग रूम से स्टार्ट करते हैं, तो चलें ड्राइंग रूम दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत बना हुआ ड्राइंग रूम देखें जी। सबसे पहले तो मैं आपको अपने आप को दिखाती हूँ, ये देखें जी, और ये मैं नज़र आ रही और यहाँ से देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये मामू बता रहे हैं कराची से ही आया हुआ, ये बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और अहमद अली सामने खड़े हुए, और हमने जो है ना अभी खाना वाना खा लिया, तो मैंने कहा खाना खा के तो दोबारा क्लिप बनाती हूँ, क्योंकि पहले लाइट चली गई थी तो लाइट इतनी रोशनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने कहा चले बाद में खाना वाना खा के, मामू ने खाने वाने का इंतज़ाम कर लिया था तो हमने फिर ये क्लिप बनाया है भाई। सब कुछ बहुत अच्छा है, चले आए रूम दिखाती हूँ आपको सबके, ये टीवी लॉन्च है ना वैसे, यहाँ पर LCD वगैरह लगती है ना, हाँ LCD की जगह है ना ये सारी, घर की सेटिंग बहुत मुश्किल होती है सही बात है, नहीं वाकई सही बात है। और एक रूम ये वाला है, मैं लाइट जलाती हूँ यहाँ की, ये रूम है, और देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर भी मैं अपने आप को दिखाती हूँ, देखिए जी मिरर लगा हुआ है, पापा वो देखो सामने तो चलें जी सामने वाला रूम दिखाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फातिमा जो है ना हटो अहमद छोड़ो, ये वाला रूम एक ये वाला रूम है, तीन बेडरूम है माशाल्लाह जी सारे एक से एक, और लाइट ऑफ है, ये जो है मामू की छोटी बेटी का रूम है, ये भी बहुत प्यारा है। चलें जी इसका मिरर भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखें
चलें जी, एक ये रूम है माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत है। तो चलें जी, अब हम जाने लगे हैं घर। मामू के घर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ यकीन करें पंजाब में सारे ही बहुत प्यार करने वाले हैं, इज्जत से इतने प्यार से मिलते हैं सारे। पापा नीचे बेटा, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ मैं कि देखें जी माशाल्लाह, जब इंसान रिश्तेदारों में खानदान में आता है तो कितना मज़ा आता है। चलिए जी, ब्लॉग का यही करती हूँ, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपने क्या करना है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो यही इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।